वेलकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मेघा। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हॉल वीडियो होने वाला है वो है करवा चौथ स्पेशल हॉल वीडियो, दिवाली स्पेशल साड़ियों का कलेक्शन जो मैं आप लोग साथ लेकर आई हूँ। तो सभी साड़ियाँ जो हैं मैंने मीशो से परचेज़ की है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, सुपर डुपर अफोर्डेबल प्राइस पे, प्रीमियम क्वालिटी की ये सभी साड़ियाँ होने वाली है। तो सारी जो साड़ियाँ मैंने परचेस की है अंडर 1000 है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपको इन सभी प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर कोई भी साड़ी जैसे आपको परचेस करना है, कुछ भी पसंद आता है तो जल्दी से ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है और ये सभी जो साड़ियाँ हैं जल्दी जल्दी से आउट ऑफ स्टॉक हो जाती हैं। तो आपको जो कुछ भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दिवाली स्पेशल साड़ी का कलेक्शन। सबसे पहली वाली ये साड़ी तो बहुत ही प्यारा सा, ये शिफॉन जॉर्जेट मिक्स टाइप का कुछ फैब्रिक है, मुझे इसका कलर जो है बहुत ही पसंद आया। तो चलिए मैं आप पूरा आप साड़ी को ओपन करके मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके की ये साड़ी है। तो साड़ी को मैं पूरा ओपन करके दिखाती हूँ कि तो ये है ये साड़ी का आँचल वाला पार्ट। इस तरीके की जो साड़ियाँ होती हैं फेस्टिवल के टाइम में बहुत अच्छी लगती हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरीके का ये आँचल वाला पार्ट दिया गया है इसमें, इस पर इस तरीके के टैसल्स लगाए गए हैं। शिफॉन मटेरियल की साड़ी है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है, सॉफ्ट फैब्रिक भी दिया गया है इसका। आप इसका ये लेस देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये लेस दिया गया है। इसमें छोटे छोटे से स्टोन लगाए गए हैं तो स्टोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आसानी से नहीं निकल रहे हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें जो स्टोन अटैच किए गए हैं वो आसानी से नहीं निकल रहे हैं, बहुत अच्छे से इसमें फिक्स किया गया है। तो साड़ी पूरी ही पैटर्न आप ये देख सकते हैं, बांधने के कुछ कॉन्सेप्ट में ये आपको मिल जाएगा। तो साड़ी का जो फैब्रिक है बिल्कुल ही सॉफ्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये आपको रिसीव हो जाएगा। और साड़ी की जो लेंथ विड्थ दी गई है बहुत परफेक्ट दी गई है, जिसके कई जो कलर के ऑप्शन आपको मीशो पर मिल जाएंगे। रानी पिंक कुछ येलो कलर में भी मैंने देखा था उस पर, तो अगर आपको ये कलर नहीं लेना तो आप दूसरा कलर भी परचेस कर सकते हैं। तो साड़ी लेंथ विड्थ बहुत अच्छी दी गई है, आप यहाँ पे बीच बीच में आप ये देख सकते हैं इस तरीके के, आप इस तरीके की ये प्रिंट हो रखे हैं, प्रिंट जहाँ तक हो रखे हैं वहाँ पे भी बीच बीच में आपको ऐसा स्टोन लगाया गया है। ये आप ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, इस तरीके की ये देखिए, इसमें भी आपको स्टोन मिलेंगे। बहुत ही अच्छा सा साड़ी है, फेस्टिवल वाला वाइब्स देता है। तो मुझे तो पर्सनली जो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, कलर कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है। और इसका ये जो आप ब्लाउज़ का फैब्रिक देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का ये आपको रिसीव होगा, तो अप्रॉक्स 80 सेंटीमीटर तक ही इसका आपको ब्लाउज़ मिलेगा। तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसमें बनवा सकते हैं, जैसा अगेन पूरी ही साड़ी में आपको लेस मिलेगा वैसा ये स्लीव्स पे और बैक पे लगाने के लिए स्लीव्स भी लेस मिल जाएगा आपको। तो कुल मिला के जो साड़ी की क्वालिटी है, साड़ी की जो ब्लाउज़ की फैब्रिक है बहुत ही मस्त है। मैं अगर इसको रेटिंग देना चाहती तो 5/5 देती, मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये साड़ी। ये सेकंड साड़ी जो मैंने मीशो से परचेस की है, तो जॉर्जेट मटेरियल की ये साड़ी है। पूरा ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके की ये साड़ी है। तो पूरा ही लहरिया के कॉन्सेप्ट में आपको ये साड़ी मिलेगी, इस तरीके की आप ये गोटे पट्टे वाली लेस देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा इसमें ये लेस अटैच किया गया है, काफ़ी सॉफ्ट वाला ये लेस लगाया गया है। तो साड़ी पूरा ही रेड कलर में आपको ये मिल जाएगा। तो लहरिया का कॉन्सेप्ट है, तो फेस्टिवल के टाइम में आप ये करवा चौथ पे अगर आप कुछ हल्का फुल्का सा वेयर करना चाहते हैं, कुछ हैवी नहीं पहनना चाहते हैं दिवाली के टाइम में भी, और आने वाले कोई भी वेडिंग फंक्शन में भी आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट वाला फैब्रिक दिया गया है तो ईज़िली ये कैरी भी हो पाएगा। तो साड़ी की लेंथ और विड्थ एकदम परफेक्ट दी गई है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है तो भी आपको ये आराम से आ जाएगी। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है साड़ी। साड़ी का जो फैब्रिक है काफ़ी स्मूथ और सॉफ्ट दिया गया है, तो अगर आपको परचेस करना चाहते हैं तो ज़रूर से परचेस करें, बहुत ही ब्यूटीफुल सी साड़ी है। साड़ी का जो ब्लाउज़ का फैब्रिक आपको अप्रॉक्स 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको ये मिल जाएगा, तो आर्ट सिल्क के फैब्रिक में ये उसका ब्लाउज़ दिया गया है। अगेन जैसा साड़ी में पूरा लेस दिया गया है उस तरीके का आपको स्लीव्स पे और बैक पे आपको लगाने के लिए
चाहिए, लेस भी मिल जाएगा। तो साड़ी का ब्लाउज़ भी अच्छा दिया गया, साड़ी का जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से परचेस करें। येलो कलर में बांधनी पैटर्न की मैं एक जॉर्जेट मटेरियल की ये साड़ी मंगाई है मीशो से, तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ये मुझे मिल गई थी। आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरीके की ये साड़ी है। तो साड़ी का जो मैं पहले आपको आंचल वाला पार्ट दिखा देती हूँ, तो ये है आंचल वाला पार्ट, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी है। जो सबसे अच्छी बात है इसका जो फैब्रिक की क्वालिटी है एकदम सॉफ्ट दी गई है, तो पूरा ही आप देख सकते हैं बांधनी के पैटर्न में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो येलो कलर में और रेड कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो तो बहुत ही बेहतरीन होता ही है, बहुत अच्छा लगता है। तो आप ये लेस देख सकते हैं, इस तरीके की लेस लगाई गई है, लेस की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी लगाई गई है, सॉफ्ट वाली लेस लगाई गई है। तो साड़ी लेंथ और विड्थ से बहुत परफेक्ट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से लें, क्योंकि अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है तो भी आपको ये आराम से आ जाएगी। और आप ये देख सकते हैं बीच बीच में इस तरीके के फ्लावर आपको पूरी ही साड़ी पे, ये आप ये देख सकते हैं बीच बीच में इस तरीके के फ्लावर बनाए गए हैं। तो उस पर भी आप ये अगर कैमरे पर क्लियर नज़र आ रहा हो तो उस पर स्टोन चिपकाए गए हैं। तो स्टोन जो मैं निकाल रही हूँ, देख रही हूँ, निकालने से आसानी से नहीं निकल रहे, अगर फर्स्ट सेकंड वॉश से तो नहीं निकलेंगे, हाँ काफ़ी बार धोने के बाद निकल जाएंगे। वैसे साड़ी का जो फैब्रिक है बहुत अच्छा दिया गया है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो फेस्टिवल के टाइम में ऐसी सभी साड़ियाँ जो होती है ना बहुत अच्छी लगती है पहनने में। तो और ये रहा इसका ब्लाउज़, ब्लाउज़ का फैब्रिक भी आपको जैसा साड़ी का फैब्रिक दिया गया है वैसा ही आपको ब्लाउज़ का फैब्रिक मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। और ये रेड कलर में पूरा मिलेगा आपको, और अगेन जैसा साड़ी में पूरा लेस लगाया गया है वैसा स्लीव्स पे बैक पे आप लगा सकते हैं। तो साड़ी का ब्लाउज़ बहुत अच्छा है, साड़ी का फैब्रिक क्वालिटी एवरीथिंग जो है सब कुछ बहुत अच्छा है। तो आप इसे ज़रूर से परचेस करें, हाईली रिकमेंडेड है ये साड़ी। तो ये आप ये देख सकते हैं जॉर्जेट मटेरियल की एक डाई एंड टाई प्रिंट की प्लास्टिक मिरर वाली ये साड़ी है। तो ऐसा मैंने बहुत लोगों को पहने हुए देखा था, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये साड़ी। तो जॉर्जेट मटेरियल की ये साड़ी है, साड़ी का जो फैब्रिक है वो ठीक ठाक ही है, मतलब ओके है। मैं अगर इसको रेटिंग देना चाहती तो 5/4 रेटिंग देती, मुझे तो ठीक ही ठाक लगा। इतना भी बाकियों के मुकाबले जो मैंने आपको पहले जो साड़ी दिखाई उसके मुकाबले इसका फैब्रिक उतना अच्छा मुझे नहीं लगा, लेकिन ठीक ठाक है। अगर आप इस तरीके का फैब्रिक पहन लेते हैं तो पहन सकते हैं। प्लास्टिक के मिरर आप देख सकते हैं चारों ही तरफ साड़ी के लगाए गए हैं, तो इस तरीके से ये आएगा ऐसा। तो जो प्लास्टिक की जो मिरर की क्वालिटी है अच्छी है, अगर इसकी जगह रियल मिरर लगे होते तो शायद इस साड़ी को पहनना थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि प्लेट्स वगैरह टक करने के बाद थोड़ा सा चुभ से सकते थे। तो ये सबसे अच्छी बात है कि प्लास्टिक के मिरर लगाए गए हैं, तो पूरा ही डाई एंड टाई पैटर्न में आपको ये मिल जाएगा। तो इसके कई सारे जो कलर के ऑप्शन आपको मीशो पे मिल जाएंगे, अगर आपको ये कलर नहीं पसंद है तो दूसरा कलर भी परचेस कर सकते हैं। लेंथ विड्थ इस साड़ी की बहुत परफेक्ट दी गई है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा भी है तो भी आपको ये आराम से आ जाएगी। तो ब्लाउज़ इस साड़ी का मैंने अलग करके रख लिया था, तो इस तरीके का ये ब्लाउज़ है, आर्ट सिल्क फैब्रिक में आपको ये रिसीव होगा। तो 80 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको ये ब्लाउज़ मिल जाएगा, हाँ लेकिन जैसा आपको प्लास्टिक वाले मिरर लगाए गए हैं वहाँ बॉर्डर की साइड में, तो ऐसा कुछ भी आपको ब्लाउज़ में रिसीव नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन टाइप का कुछ दिया गया है। तो इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की ये सभी साड़ियाँ होने वाली है। ये था मेरा करवा चौथ स्पेशल साड़ियों का कलेक्शन, दिवाली स्पेशल साड़ियों का कलेक्शन। तो आपने देखा ना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ये सभी साड़ियाँ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर से परचेज करें। ये सभी जो फेस्टिवल के टाइम में बहुत ही अच्छी लगने वाली है, काफ़ी सॉफ्ट और कम्फर्टेबल है। इन सभी साड़ियों का जो फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है, तो आप दिन भर भी कैरी कर सकते हैं, आराम से पहन सकते हैं इसे। तो ये जो साड़ी मैंने अभी इस टाइम वेयर किया है, अगर आप इसका भी लिंक चाहते हैं तो इसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये मैंने अजियो से लिया था, बाकी सब जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया वो मीशो की है। तो कैसा लगा आपको आज का हॉल वीडियो, आई होप आपको आज का हॉल वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना है आपको। अगर आप इंस्टा और फेसबुक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप जाके फॉलो कर सकते हैं, और आप कमेंट भी ज़रूर बताइए कि सबसे ब्यूटीफुल साड़ी कौन सी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।